मैन होल जिस सेक्शन पे साइज स्लोप या जहाँ टू पाइप मीट करता है या इंक्लाइनेशन चेंज होता है वो सारे पॉइंट्स पे सारे सेक्शन पे मैन होल प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली जो सीवर होता है सीवर को फुल फ्लो अलाउ नहीं करते हैं। अगर डायमीटर सीवर का डायमीटर 400 मिलीमीटर से कम है तो उस केस में हाफ फ्लो अलाउ करते हैं। अगर डायमीटर 400 to 900 mm है तो 2/3 फुल फ्लो प्रोवाइड करते हैं, और 900 ml से ज़्यादा अगर डायमीटर होता है तो 3/4 फुल अलाउ करते हैं। एक्चुअली जो रिमेनिंग पोर्शन होता है जो जिससे वाटर फ्लो नहीं करता है उसमें क्या होता है फैक्टर सेफ्टी के लिए वो रखते हैं, और प्लस जो गैस प्रोड्यूस होता है उसमें जैसे कि आपका CH4 होता है उसके लिए स्पेस रखते हैं। फॉर ब्रांच तो ब्रांच के डिज़ाइन के लिए मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज जो होता है वो 2 times ऑफ द एवरेज डेली डिस्चार्ज होता है। मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज जो होता है 1.5 times ऑफ द मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज होता है, और ये 3 times ऑफ द एवरेज डेली डिस्चार्ज के इक्वल होता है। मिनिमम डेली डिस्चार्ज का बात करें तो 2/3 ऑफ द एवरेज डेली डिस्चार्ज होता है, और मिनिमम आवरली डिस्चार्ज जो होता है ये होता है हाफ ऑफ द मिनिमम डेली डिस्चार्ज इज इक्वल टू हो जाता है 1/3 ऑफ द एवरेज डेली डिस्चार्ज। मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज इज इक्वल टू हो जाता है 9 times ऑफ द मिनिमम आवरली डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम और मिनिमम आवरली के केस में ये 9 times हो जाता है। फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो मैक्सिमम लेटरल में होते हैं, उसके बाद में ब्रांच में होते हैं, उसके बाद में मेन में होते हैं, और सबसे कम आउटफॉल में होते हैं। तो फ्लक्चुएशन मैक्सिमम लेटरल में होंगे और मिनिमम आउटफॉल में होंगे। लेटरल के लिए आपका फ्लक्चुएशन का फैक्टर जो होता है 4 लेते हैं, ब्रांच के लिए 3 होते हैं, मेन के लिए 2 लेते हैं, और आउटफॉल के लिए आपका 1.5 लेते हैं। डिजाइन फॉर मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज तो जनरली सीवर को हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन करते हैं, और इसको मिनिमम आवरली डिस्चार्ज के लिए चेक करते हैं ताकि जो वेलोसिटी हो कम से कम इतना होना चाहिए कि उस सीवर को क्लीन कर सके, मतलब सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होना चाहिए वो एश्योर होना चाहिए। 1 mm साइज़ के इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए जनरली हम लोग डिज़ाइन करते हैं, या 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए डिज़ाइन करते हैं जो कि जनरली 0.45 m/s होता है। अगर 0.45 m/s हो जाए तो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी एश्योर हो जाता है। डिज़ाइन वेलोसिटी जनरली 0.8 to 0.9 m/s होता है। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला का बात करें तो √8K/F g-1 gd, तो ये इस फार्मूला से आप सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। के एक कांस्टेंट होता है जो कि टाइप ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है। सीमेंट के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है 2.5 to 3.5 m/s हम लोग अलाउ करते हैं, और कास्ट आयरन के केस में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो 3.5 to 4.5 m/s अलाउ करते हैं। कोई भी सीवर होता है तो उस सीवर में जो क्या करते हैं जो सीवेज फ्लो करता है वो फुल फ्लो नहीं करता है। तो मान लीजिए कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो स्मॉल डी है और टोटल डेप्थ अगर कैपिटल डी है तो स्मॉल डी अपन डी इज इक्वल टू होता है 1 cos α/2 / 2 होता है। स्मॉल पी बाई पी कैपिटल पी इज इक्वल टू α/360 होता है। स्मॉल ए बाई ए इज इक्वल टू α/360 माइनस साइन α/2π होता है। स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है α/360 माइनस साइन α/2π/α/360। स्मॉल यू बाई कैपिटल यू इक्वल टू होता है α/360 माइनस साइन α/2π होल डिवाइडेड बाई α/360 होल टू द पावर 2/3 हो जाता है। स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू इक्वल टू ये फार्मूला होता है इसका देख सकते हैं आप यहाँ पे। रनिंग हाफ के केस में स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू जाता है 1/2। अल्फा इज इक्वल टू होता है 180। स्मॉल पी बाई कैपिटल पी इज इक्वल टू हो जाता है 1/2। स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 एंड स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाता है 1। स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इज इक्वल टू 1 और डिस्चार्ज का रेशियो हो जाता है वो हाफ हो जाता है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है ये अल्फा इज इक्वल टू 256 degrees पे अकर करता है। तो फुल फ्लो के केस में जो वेलोसिटी होगा उसके 1.125 times जो होंगे वो मैक्सिमम वेलोसिटी होंगे, और डिस्चार्ज का बात करें तो मैक्सिमम डिस्चार्ज होंगे 1.07 times ऑफ द फुल फ्लो डिस्चार्ज होगा।